ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ऊपर ऊपर में एक बार वार्ड नंबर 11 के दो तीन नामदार नारे लगे, ये बोले परे को महाराज की, ये बोले राम साहब पीर की, केदार जी महाराज की। केला बता मुझे आप भी वोट के अपील करना आया हूं, यहाँ बिल समाज का भी बड़ा वर्चस्व है और विधानसभा के चुनाव में भी मैंने आपका पूरा ध्यान रखा, शेरगढ़ खजोड़ा टिकट और तीन टिकट दिए और अपनी बार में सुजानगढ़ में आरएलपी ने प्रत्याशी उतरा 33,000 वोट मूल लिए थे, अब ये 33,000 निकल रहे हैं। भाइयों जहाँ भी आप सीता पड़ी कितना बड़ा दुर्भाग्य बिल समाज के 11 लोगों की हत्या जोधपुर के अंदर कर दी जाती है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, आपको एक आह्वान करूंगा, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपने समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ाओ, शुरू कार्यक्रम सारे भाई को निवेदन करता हूँ, शिक्षित पढ़ाई लिखाई करोगे तभी मुख्य होगा। मैं इतना ही विश्वास करता हूँ आपके चाहे मेघवाल समाज चाहे बील समाज चाहे तमाम छत्तीसगढ़ खड़ी है इन समाजों में, मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़े आप मुझे याद करना, हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा, भीड़ दिखा देने मांगूंगा, तो मुझे बात की कि मैं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के अंदर मेरे के प्रत्याशी भी आदि पीछे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वोट के अपील कर विधानसभा के अंदर भी लड़े थे। देखिए आप तो मैं के नजदीक से जिसने मुझे पहचाना वो एक ही बात कह रहा कि नेता तो हमारा मिलने वाली है, बाकी जब देखो कांग्रेस नहीं करते उनकी पुरानी पार्टियां उनका वोट बैंक है। भाई मैं तो जवान और किसान है, चार बार राजस्थान में मंत्री को ठुकराया और जब देश का किसान संकट में था पड़ोसी झाड़ी को ठोकर मारी और किसानों के साथ 2 महीने साझा फंड बॉर्डर पर और जब भी प्रदेश के अंदर आवश्यकता पड़ी छोटे बच्चे ने भी टेलीफोन किया, किसी की चोरी या पेन भी चुकी तो मुझे याद किया, सम्मान मिलने वाले उनके अंदर दूर करने का प्रयास किया, छत्तीसगढ़ को साथ लेके चला, पार्टी बनाई, 3 विधायक बने जिनमें 2 शोर का विधायक थे, बस सपा से एक भी शोर का मेला नहीं जीता, आरएलपी से 2 जीते, एक तो कुटवा जी जो गोपालगढ़ से एमएलए बने और इंदिरा मावरी जो मेरे से लेकर हर बार जीवन का मैंने भाजपा को मिल दिए थे। अब आप थोड़ा सा अगर मुझे आशीर्वाद दे दो तो एक गाड़ी सरपट दौड़ती हुई जयपुर की सत्ता में कब्जा कर लेंगे, आपको भरोसा होता है और किसी न किसी का भरोसा तो करना ही पड़ेगा और हम रोज ठगे जा रहे हैं, कभी आप कांग्रेस का भरोसा करते हो कभी भाजपा का करते हो, चुनाव के बाद कर रहे काम छोड़ नहीं रहा, एक बार मेरा भरोसा कर लो बाप, भाई अपन जो 70 साल घरों से भी निकले हम लोगों ने, यहाँ कौन से रोजगार मिल गए, कौन सा विकास हो गया, सारी उपयोग जमीन अधिग्रहित हो गई, मैं कल जोधपुर में घूम रहा था, मुख्यमंत्री का जिला है न कोई सड़क है स्कूल है न पानी है न बिजली है, जब सीएम अपने जिले का विकास नहीं करा पा रहा है तो राजस्थान का विकास कहां से होगा। भाइयों इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप तो नागौर रंग में एंट्री कर लो जोधपुर से, जैसे नागौर आएगा आपको ऐसा लगेगा जैसे पेरिस आ गया, हरी शरी सरकार का सबसे ज्यादा झगड़ा भी करता हूँ और काम भी करता हूँ, काम ऐसे नहीं होते, काम बड़ा के करने पड़ते हैं, सरकार का अंदर खोप है रोप है यार, इसमें बड़ा आ जाएंगे नहीं इसमें काम करेंगे, अब आपके स्टोर बंद करा रहे हैं नहीं करेंगे कितने राजस्थान में तो जो नहीं बंद है मैं तो बता दें मैं बंद करेंगे घूम रहा हूँ तो कर दूँ 4 तारीख बाद अभी 2 दिन में क्या पड़ता है, मैं तो टोल रूम पर राजस्थान की बात कर रहा था, था। उनको टोल के रात को कर साहब टोल वालों की बेइज्जती कर दी, बंद करा दो भैया हमारे इलाके में बच्चों के साथ कोई बदतमीजी कर ले ये हम बड़ा हासिल करें, वैसे कानून व्यवस्था हम हाथ में नहीं लेना लेकिन कानून व्यवस्था की आड़ के अंदर कोई गुंडा गंदा करते बाहर के लोग आते तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप सब सहयोग आशीर्वाद देना। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।